नमस्कार, मैं हूं अमित और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना यूट्यूब चैनल सचलिंग जागो। आज हम आपको बताएंगे कि गाजीपुर जिले के कस्बाबाद क्षेत्र में अरुणाचल एक्सप्रेस कस्बाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जी गाजीपुर जिले के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या कहेंगे, आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मुख्यमंत्री महोदय बस उपस्थित हो रहे हैं मंच पर। मुख्यमंत्री जी का यूपीडा की ओर से हम लोग स्वागत करते हैं। यहाँ पे माननीय मंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, माननीय सांसद जी का स्वागत करना है, हम माननीय विधायकगणों का स्वागत करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाजीपुर से ये यूपीडा का इंस्पेक्शन और इस पूरी सड़क का इंस्पेक्शन शुरू किया है। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं हम लोगों को इस कार्य में, जिसको बहुत जल्दी ही पूरा करना है, अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस निरीक्षण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद गाजीपुर के प्रभारी मंत्री जैसे आनंद स्वरूप शुक्ल जी, माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, विधानसभा की माननीय सदस्य श्रीमती अलका राय जी, डॉक्टर संगीता बलवंत जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी, यूपीडा के सीईओ और अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, और जनपद गाजीपुर से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो रूपरेखा आज से लगभग 4 साल पहले हम लोगों ने तय प्रारंभ की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश सरकार की ओर से पूर्वांचल के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इसके लिए यहां की जनता को इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास में रुचि ली। आज इसी मार्ग का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। आप भी देख रहे होंगे, आज से 2 वर्ष पहले यहां पर सामान्य खेत रहे होंगे, लेकिन अब ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपके सामने है। और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे का मतलब यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर का सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला एक मार्ग। हर एक जनपद में हम लोग विकास के, औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो, और यह कार्य यहां पे रोजगार सृजन, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो, यह
एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक हर हाल में ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और इसमें यातायात प्रारंभ हो। यद्यपि हम लोग इसको दीपावली तक पूरा करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण लगभग 5-6 महीने हम लेट हुए हैं। आप सब जानते हैं कोरोना वैश्विक महामारी थी, सारी गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब कोरोना पर नियंत्रण किया जा चुका है। सावधानी अभी भी आवश्यक है, लेकिन भारत दुनिया के अंदर मात्र एकमात्र देश है जिसने दो दो स्वदेशी वैक्सीन भी अपने लोगों को बचाने के लिए लॉन्च कर दी हैं और वैक्सीन इस समय लग रही हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में वैक्सीन निर्माण की कार्रवाई सफलतापूर्वक भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन विकास का यह मॉडल हमारे जीवन में और भी अधिक खुशहाली लाने के लिए आवश्यक है और इसी दृष्टि से आज यह एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के लिए ही आज मैं सुबह से निकला हूं। मैं हैदराबाद से लेकर के और पूरे लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेस वे के हरेक जनपद में इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेस वे का हम लोग लोकार्पण भी कर सकें। इसके लिए कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय जनता मिलकर के कोई कोर कसर न छोड़ें, जिससे समयबद्ध ढंग से हम इस कार्य को संपन्न कर सकें और यहां पर विकास की वे अनंत संभावनाएं आगे बढ़ सकें। मेरा यह मानना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बनेगा यहाँ पे रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नौकरी और रोजगार के लिए जिसको आना होगा उत्तर प्रदेश में आएगा। यहाँ का रोजगार भी, नौजवान भी रोजगार पाएगा और दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम लोग सकारात्मक भाव के साथ जुड़ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने का जो संकल्प है, इस संकल्प को चरितार्थ करने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Jindabad 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 jindab
बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारे, उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ, आशीर्वचनों से अभिसंचित किया और परियोजना के बारे में विस्तार से जनमानस को सूचित किया। विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नित्य निरंतर नई प्रगति गाथा दिख रहा है और लिखता रहेगा और उसकी गाथा में एक नवी अध्याय आज जो जुड़ रहा है। धन्य धन्य के साथ में हम अपना कृतज्ञ भाव अर्पित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साधन चरणों।